What's going on, guys? This is Nikhil Nautiyal and welcome back. Well, guys, this is my second video for any supplement, and the supplement that we are going to talk about today is creatine. Well, guys, बहुत time से मेरे से लोग questions पूछ रहे हैं कि hey Nikhil, creatine क्या होता है, वो काम कैसे करता है, क्या उसके कुछ benefits हैं, क्या उसके कुछ side effects भी हैं. तो ये सारे topics आज हम इस video में cover करेंगे. एक चीज और है guys, आज मेरे पास आपके लिए एक surprise है जो मैं इस video के end में बनाऊंगा. So make sure you watch this video till the very end. So without wasting any time, let's get started. So guys, basically creatine होता क्या है? Well, creatine एक ऐसा substance है जो हमारे muscles और nerve cells में creatine phosphate की form में present होता है और हमारे muscles को energy provide करता है. So guys, creatine काम कैसे करता है? Well, हमारी बॉडी में एक मॉलिक्यूल होता है एटीपी. एटीपी stands for adenosine triphosphate. ये एटीपी हमारी बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. अब मान लीजिए आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं या आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे मसल्स में से क्रिएटिन फॉस्फेट कम हो जाता है. क्रिएटिन फॉस्फेट कम हो जाने से जो एटीपी है, जो हमारी बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका प्रोडक्शन रुक जाता है. इसके प्रोडक्शन रुक जाने से क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है. अब यहाँ पे आपका क्रिएटिन काम आता है. अगर आप क्रिएटिन को एज अ सप्लीमेंट कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे मसल्स में क्रिएटिन फॉस्फेट फॉर्म करता है और अल्टीमेटली एटीपी को सिग्नल भेजता है. सिग्नल भेजने का मतलब क्या है, एक फ्यूल जो होता है हमारी बॉडी को, जो हमारी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए या एनर्जी इंक्रीज करने के लिए काम आता है, वो क्रिएटिन हमें फ्यूल प्रोवाइड करता है ताकि हमारा अल्टीमेटली एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ जाए और हमारे मसल्स को एनर्जी मिल जाए. सो गाइस, अब बात करते हैं क्रिएटिन के टाइप्स की. वैसे तो क्रिएटिन के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो आपने सप्लीमेंट यूज़ करना है क्रिएटिन का, यू हैव टू यूज़ इधर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन. सो गाइस, अब बात करते हैं क्रिएटिन के बेनिफिट्स की. वैसे तो क्रिएटिन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन उनमें से जो मेजर बेनिफिट्स हैं वो कुछ ये होते हैं कि देयर इज़ अ रैपिड इंक्रीज इन आवर स्ट्रेंथ, देयर इज़ अ इंक्रीज इन आवर पावर, वी हैव प्रोडक्शन ऑफ मोर मसल एंड लीन मास, वी हैव बेटर स्पीड इन ड्यूरेंस, और या वी हैव इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी. सॉरी, नोट्स देख रहा था. वेल गाइस, जोक्स अपार्ट, अब बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की. वैसे जनरली तो क्रिएटिन के कोई साइड इफेक्ट्स होते नहीं हैं, वो अपनी ही गलती की वजह से साइड इफेक्ट्स बन जाते हैं. वो कैसे बनते हैं, अगर आप क्रिएटिन की हाई डोसेस लेते हैं, यानी जितनी आपकी रिक्वायर्ड डोज है, अगर आप उससे ज़्यादा लेंगे तो वो आपका एज अ साइड इफेक्ट बन जाएगा. और वो करता क्या है, अगर आपने ज़्यादा कंज्यूम करा क्रिएटिन रिक्वायर्ड अमाउंट से, तो आपको स्टमक पेन हो सकता है और आपको डायरिया भी हो सकता है. कुछ केसेस में ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत क्रैम्पिंग हो जाती है, वो आप ही की गलती की वजह से होती है. तो मेक श्योर कि आप क्रिएटिन को सही अमाउंट में कंज्यूम करें. सो गाइज, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कितने अमाउंट क्रिएटिन यूज़ करूं कि वो साइड इफेक्ट ना बने. तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में आप क्रिएटिन ना यूज़ करें. जब आपकी बॉडी थोड़ी यूज टू हो जाए उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं. आपको यूज़ कैसे करना है, आपने वर्कआउट से पहले आप 5 ग्राम यूज़ करिए क्रिएटिन. जो लोग इंटरमीडिएट लेवल पे हैं वो शायद ऑलरेडी यूज़ करते होंगे 5 ग्राम. 5 ग्राम से ज़्यादा यूज़ ना करिए, वो थोड़ा सही रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी को यूज टू बनाना है. आपकी बॉडी 5 ग्राम कंज्यूम कर लेगी. जो एडवांस लेवल पे हैं वो 10 ग्राम यूज़ कर सकते हैं. उनका कुछ शेड्यूल इस तरीके से होता है कि वो 5 ग्राम बिफोर वर्कआउट लेते हैं, 5 ग्राम आफ्टर वर्कआउट, तो उनकी बॉडी उतना वो डाइजेस्ट कर लेती है. अगर आप इंटरमीडिएट और बिगिनर लेवल पे हैं तो आपकी बॉडी वो कंज्यूम कर ही नहीं पाएगी, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है. इसी वजह से आपकी स्टमक में पेन हो जाता है, डायरिया हो जाता है, क्रैम्पिंग हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती. सो गाइज, अब जैसे कि हमने जान लिया है कि क्रिएटिन होता क्या है, क्रिएटिन काम कैसे करता है, क्रिएटिन के क्या बेनिफिट्स हैं और क्रिएटिन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, अब टाइम आ गया है कि हम जो मिथ्स हैं इतनी बड़ी लोगों ने जो क्रिएट कर रखी हैं उन्हें ब्रेक करें. तो जो पहली मिथ है जो सब जनरली सुनने को मिलती है वो ये है कि क्रिएटिन एक ड्रग है. मैं गाइस आपको बता दूं, क्रिएटिन कोई ड्रग नहीं है. लोग बोलते हैं कि उससे हमारी बॉडी को डैमेज होता है, ऐसा कुछ नहीं है. क्रिएटिन कोई ड्रग नहीं है, क्रिएटिन एक परफॉर्मेंस एनहांसिंग सप्लीमेंट है जो मोस्टली एथलीट्स भी यूज़ करते हैं. दूसरी जो है
वो ये है कि लोग बोलते हैं कि क्रिएटिन से किडनी खराब हो जाती है, किडनी से लिवर खराब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, कुछ नहीं होता ऐसा। तीसरी जो मेन सुनने को मिलती है वो ये है कि क्रिएटिन वाटर रिटेंशन करता है, ये तो भगवान जाने, ये तो पूरी दुनिया ही बोलती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। क्रिएटिन जबकि कंज्यूम करके डाइजेस्ट हो जाता है, वो हमारे मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसा मैंने आपको बताया क्रिएटिन फॉस्फेट की फॉर्म में, और वो बस मसल मास और लीन मास प्रोड्यूस करने में हमें हेल्प करता है, बस यही है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो ये सब मिथ्स हैं, मैं आपको बताऊंगा, इन पे आप विश्वास ना करिए। मैं खुद बेसिकली सप्लीमेंट यूज़ कर रहा हूँ ये क्रिएटिन एक दो महीने से, और ऐसा कुछ नहीं है, कोई वाटर रिटेंशन नहीं होता। तो आप इसे सेफली यूज़ करिए, जो मैंने आपको रिक्वायर अमाउंट बताई है उसमें यूज़ करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब मिथ्स हैं, आप इन पे भरोसा ना करिए। So guys, if you did find this video helpful, make sure you give it a big thumbs up, and if you have any questions, you can comment down below. Well guys, make sure you share this video among your friends, and don't forget to hit that subscribe button also. Your support is really needed. Well, I will see you next time. Till then, stay healthy. एक सेकेंड गाइज, मैं सरप्राइज़ के बारे में तो भूल ही गया, और आपने मुझे याद भी नहीं दिलाया। वेल छोड़िए, मैं बताता हूँ आपको सरप्राइज़ क्या है। वॉट यू हैव टू डू इज गाइज, हेयर इज माई इंस्टाग्राम, यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू फर्स्ट फॉलो मी, एंड सेकेंडली यू हैव टू यू नो कमेंट योर क्वेश्चन ऑन माई लेटेस्ट पिक। तो गाइज होगा कुछ ऐसा कि कुछ जनरली क्वेश्चन के आंसर तो मैं आपको वहीं पर दे दूंगा, लेकिन जो नई चीज़ है वो क्या है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ आपको नहीं बाकी लोगों को भी चाहिए होते हैं, मतलब पर्टिकुलरली आपके क्वेश्चंस सेम होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, उन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के एंड में दूंगा, जिससे क्या होगा कि एक तो यू विल गेट अ हाई चांस ऑफ बीइंग फीचर्ड, बिकॉज मैं आपके क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा वहां पे। सो मेक श्योर यू कमेंट योर क्वेश्चंस देयर। दूसरी चीज क्या है कि एक तो इंटरेक्शन लेवल हमारा बढ़ेगा, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानेंगे, तो थोड़ा वीडियो भी इनोवेटिव सी होगी और थोड़ा वीडियोस में मजा आएगा। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर क्वेश्चंस देयर। वेल, आई हैव अ फेसबुक पेज एज वेल, यू कैन सर्च निखिल नौटियाल, और यू नो ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट मेक श्योर यू गो देयर एंड चेक आउट, गिव मी योर सजेशंस ऑल्सो। सो गाइज, होता ये है कि हम बस इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके सीखते हैं, हम धीरे धीरे अपनी क्वालिटीज इंप्रूव करते हैं। तो एट लास्ट आई वुड से दैट आई विल बी वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस to answer them in my next video. All right guys, so I will see you next time. Till then, stay healthy.